आज आपको मेरे अकाउंट के अंदर लॉस दिख पा रहा होगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार और मैं आपको दिखाऊँ अपना लॉजिक कि मैंने क्या लॉजिक लगाया था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लगभग सोचा था कि 43,210 ये लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा क्योंकि मार्केट यहीं से नीचे आना शुरू हुआ था, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट था। तो मैंने इसको एक बार ड्रॉ किया था, इसको मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी दिया था कि भाई देखो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता आ गया है, मैंने कहा कि आ गया है और 250 के ऊपर निकलेगा, 43,250 के ऊपर निकलेगा तो मैं ट्रेड कर लूँगा। और यहीं पर मैंने, आप टाइम देख सकते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है, 11 से लेकर 11:15 के बीच में मैंने ट्रेड कर लिया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ अपने ऑर्डर बुक, एक मिनट रुकिए, यह है ऑर्डर बुक, रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 11:06 पर मैंने एक ट्रेड कर लिया था 217 पर, और फिर मैंने इसको 11:53 पर ही 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर निकाल लिया। तो लॉजिक तो अब समझा दिया मैंने आपको कि मार्केट था बुलिश, मार्केट ने खुलते के साथ ही ऊपर गया, रेजिस्टेंस तोड़ा, सस्टेन किया, दोबारा अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो मैंने ट्रेड कर लिया, पर मार्केट ने फिर मेरे को लॉस दिया। तो क्या ये लॉस अच्छा है बुरा है? ये एक जेन्युइन लॉस है। इस महीने जो मेरी एक्यूरेसी रही है 80% रही है, आई थिंक किसी ट्रेडर की इतनी एक्यूरेसी ना हो। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ये तारीख है 1 नवंबर से 28 नवंबर तक का, क्योंकि आज तो 29 तारीख है, आज तो लॉस ही हुआ है, तो मैं 28 तक का दिखाता हूँ आपको। अभी इसको देखते हैं एक बार, ओके। तो कल तक मेरा 15,000 रुपये का नेट प्रॉफिट था, और आप ट्रेड देख पा रहे हो नीचे ट्रेड्स लिखी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ ट्रेड, और आज की मिला के 10 ट्रेड हुई हैं, एक तो आज का लॉस और एक ये वाला लॉस, तो 2 लॉस हुए हैं 10 में से। 80% एक्यूरेसी, उसके अंदर 15 का प्रॉफिट था, तो आज का 6 का लॉस हुआ है, तो घटा के कितना हो गया भाई, लगभग 9,000 का प्रॉफिट। मैंने अपने कैपिटल पर 9% का प्रॉफिट गेन किया है। मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि मैं अभी स्किल को इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ, और जो ये महीना गया है, वैसे मैं 20% निकाल लेता हूँ, पर जो ये महीना गया है बहुत साइडवेज गया है। अगर आप चार्ट खोल कर देखोगे तो पूरा महीने के अंदर मार्केट जहाँ खुला है उसी के आसपास आके बंद हो रहा है, एक अच्छी मोमेंट नहीं मिल पा रही है, और ये निशानी है। जैसे कि ये अक्टूबर नवंबर का मंथ गए हैं, ये बहुत साइडवेज गए हैं, तो आने वाला दिसंबर और जनवरी के महीने बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, और फरवरी में अपना बजट भी है, तो बजट से पहले मार्केट के अंदर अच्छे अच्छी मोमेंट्स होती हैं जिसके अंदर आप अच्छे खासे इंट्राडे में पॉइंट गेन कर सकते हैं। अभी तो ऑप्शन सेलर वाले मौज में आ रहे हैं क्योंकि उनको टाइम डिके चाहिए होता है, और टाइम डिके उनको मिल रहा है, या फिर मार्केट वोलेटाइल हो रहा है। पर वहीं बजट से पहले दिसंबर जनवरी में हमारी मौज होगी ऑप्शन बायर्स वालों की, तो तैयार रहिएगा। और जब भी मेरा लॉस होता है तो मैं और एक्साइटेड हो जाता हूँ अगले दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पर मार्केट अच्छे मूवमेंट्स मूव्स देने के तैयारी में रहता है और अच्छे ट्रेड मिलने का संकेत दे सकता है। आज मेरा लॉस हुआ है, अब आने वाले 2-3 दिन के अंदर एक अच्छे ट्रेड मिलने की उम्मीद रहती है, ऐसा मैंने देखा है। और कुछ लोग की शिकायत थी कि मैं केवल 20-30 पॉइंट प्रॉफिट के बुक करता हूँ और 55 पॉइंट सीधा अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो मेरे को अपना स्टॉप लॉस ज़्यादा कम करना चाहिए या प्रॉफिट बड़ा करना चाहिए? तो भाइयों, जितने भी मैंने ये अपने प्रॉफिट बुक किए हैं इस महीने, ये 20-30 पॉइंट का नहीं नतीजा है। अब मान लो कि मैं ये बुक ना करूं, इसमें से आधे प्रॉफिट ऐसे हैं, अगर मैं 20-30 पॉइंट बुक नहीं करता तो वहाँ पर मेरे को आराम से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट जाता। और कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिसके अंदर अगर मैं ये 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक नहीं करता तो मेरे को 70-80 पॉइंट मिल जाते। तो बात घूम फिर के वहीं पर आती है, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसके अंदर मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ, तो घूम फिर के बाद वहीं पर आती है कि भाई मैं अगर 20-30 पॉइंट बुक कर लेता हूँ तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वहीं अगर मैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा काम करूँगा तो 20-30 पॉइंट तो भाई हर ट्रेड के अंदर मेरा आता ही आता है, उसके बावजूद मेरा फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 20-30 पॉइंट बहुत मामूली है, जो लोग 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर काम करते हैं उनकी स्ट्रेटजी पता नहीं क्या होगी, पर बहुत जल्दी हिट जाता है, उनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आपकी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि 20-30 पॉइंट से आप कैसे काम करते हैं, क्या होता है मेरे को कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ एक है। अब मैं बताऊँ तो गलती क्या हुई है मेरी, गलती सिर्फ ये हुई मेरी, अगर मार्केट को मैं जब मैं ट्रेड किया था तो मैंने एक चीज़ देखना भूल गया, वो था ये रेजिस्टेंस, ये लेवल। ये देखिए आप, मार्केट इस एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस खा के नीचे आया, ये तो मैंने देख लिया कि मार्केट ये रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है,
पर ये नहीं देखा कि मार्केट यहाँ यहाँ से भी वापस आ सकता है। वैसे मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन होके भी नीचे आता कोई बड़ी बात नहीं थी, वो जनरल लॉस होता, ये भी जनरल लॉस है। पर ये तरह से मैंने मिस आउट कर दी चीज़, तो इसको मैं लिख लिया है अपने पास। मैं लिखता हूँ हर चीज़ को कि मैंने आज प्रॉफिट किया तो क्यों किया, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, तो सब चीज़ को मैं नोट डाउन करता हूँ और आगे गलती नहीं होने की। एक बार मैंने गलती किया थी, मैं यूट्यूब पर बताया भी था एक बार कि क्या हुआ था। एक बार मेरे को 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट दिख गया था, फिर मार्केट में क्या हुआ, मेरे को उम्मीद थी 150 पॉइंट की, मेरे को मिले 70-80 पॉइंट, तो मार्केट फिर सडनली नीचे आ गया जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन में नहीं था। और फिर मैंने क्या किया, पूरे 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, जहाँ मेरे को 80 पॉइंट मिल रहे थे मैं 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लगाया। तो अब मैं वही काम करता हूँ, तो मेरे को अगर 70-80 पॉइंट दिख रहे हैं तो मैं अपने स्टॉप लॉस को 30-40 पॉइंट में कर लेता हूँ ताकि मैं ओवरऑल प्रॉफिट में रहूँ। तो ये गलती सीखी, अब वो गलती नहीं हुई। अब ऐसे मैं इस चीज़ देखता हूँ, पर बताने आया कैसे मिस आउट हो गया, इट्स ओके। तो इस चीज़ को हम आगे रिपीट नहीं करेंगे, तो इसको मैं लिख लिया। तो ये था आज का पूरा सिस्टम, और मैं बड़े बड़े प्रॉफिट भी बुक करता हूँ, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी ऑप्शन बाइंग की प्लेलिस्ट है, ये देखिए आप, 9K प्रॉफिट, 8K प्रॉफिट, 17K प्रॉफिट। ये 17K प्रॉफिट के अंदर मैंने 170 पॉइंट बुक किए थे जून के अंदर, 120 पॉइंट बुक किए थे इसके अंदर, और यहाँ पे 30 पॉइंट बुक किए थे, यहाँ 50 पॉइंट, यहाँ पे 30 पॉइंट, फिर मेरे को 50 पॉइंट का लॉस हुआ, यहाँ पे 90 पॉइंट का लॉस हुआ, यहाँ पे 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट तो बड़े बड़े हुए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको देखना है कि आपको अपना स्टैंडर्ड क्या रखना है। अगर आपको मेरे अंदर गलतियाँ निकालनी हैं तो गलतियाँ ही निकल लेंगी, और अच्छाइयाँ देखने तो अच्छाइयाँ मिल जाएंगी खूब, ठीक है। तो मैं तो सबको दिखाता हूँ, मैं पूरी कोशिश रहती है कि मेरे व्यूवर्स को जो मैं कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट दिख पाए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएंगी। अपना कीमती समय देने के लिए पूरा दिन से धन्यवाद गाइस, और चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको ट्रेनिंग करना जल्दी आ जाएगा। धन्यवाद।